अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। 3 पावर a डॉट 5 पावर b इज इक्वल टू 9। दूसरा है 3 पावर b डॉट 5 पावर a इज इक्वल टू 25। यानी उल्टा है, यहाँ पर a है पावर में तो यहाँ पर b है, यहाँ पर b यहाँ पर a, ये उल्ट है। अब हमने फाइंड आउट कर लेना है ए एंड बी इनकी क्या कीमत है। फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। इन इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड राइट के साथ। तो लेफ्ट साइड ये वाले हैं, यानी 3 पावर a डॉट 5 पावर b क्रॉस, ये हैं 3 पावर b डॉट 5 पावर a इज इक्वल टू। अब राइट साइड मल्टीप्लाई होंगे 9 क्रॉस 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 पावर a 3 पावर b, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। यानी अगर सेम बेसिस हों, डिफरेंट पावर हों, बीच में प्रोडक्ट हों, क्योंकि बेस लिखा जाता है और पावर्स ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस 3 है और ये सारे प्रोडक्ट में भी हैं, तो ये की बेस हो जाएगा 3 और ये इनके पावर जो हैं a प्लस बी हो जाएगा। अब इसी तरह 5 हैं, सेम बेसिस हैं, तो 5 लिख लेंगे और ये पावर एड हो जाएंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 9 क्रॉस 25। अब इनको मल्टीप्लाई करके ये 225 हो जाएगा। अब देखो 3 पावर a प्लस b एंड 5 पावर a प्लस b, ये दोनों का पावर सेम है, तो ये 3.5 लिख लेंगे और ये होल पावर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास रूल है कि अगर दो डिफरेंट बेस के ऊपर एक ही पावर हो तो इस सूरत में हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो ये 3.5, तो ये 15 हो जाएगा, 15 पावर में a प्लस बी इज इक्वल टू 225 की जगह हम लिख सकते हैं 15 पावर 2। ठीक है, तो अब हमारे पास फिर से एक रूल है, वो यह है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। यानी कि अगर सेम बेसिस हों, बीच में इक्वलिटी हों और डिफरेंट पावर हों, तो पावर आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बेस 15 है, पावर a प्लस बी, यहाँ पर बेस 15, तो ये पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं अब इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। ये फर्स्ट सेकंड हो गया और ये थर्ड। अब ये इक्वेशन 1 एंड 2 पहले मल्टीप्लाई किया, अब डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3 पावर a डॉट 5 पावर b डिवाइड बाई 3 पावर b डॉट 5 पावर a इज इक्वल टू, ये भी इसी तरह 9 बाई 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वाला 3 के साथ होगा, 5 वाला 5 के साथ। तो फिर से ये रूल अप्लाई हो रहा है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a माइनस b। यानी अगर सेम बेसिस हों, डिफरेंट पावर हों, बीच में डिवीजन हों, तो एक ही बेस लिखा जाता है और पावर्स इस तरह लिखे जाते हैं। तो इनको मैं अलग-अलग अलग लिख लेता हूँ। 3 पावर a डिवाइड बाई 3 पावर b डॉट 5 पावर b डिवाइड बाई 5 पावर a इज इक्वल टू 9 बाई 25। अब इनके ऊपर ये रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये एक ही बेस हो जाएगा,
थ्री, पहले डिनोमिनेटर का पावर ए माइनस फिर डिनोमिनेटर का पावर बी, ये थ्री पावर ए माइनस बी हो जाएगा डॉट। अब ये फाइव पावर ये फिर बी माइनस ए हो जाएगा। इनको हम ऐसा नहीं करते, ये ऊपर वाला जो है फाइव पावर बी इनको नीचे लेके आते हैं, तो ये फिर वन बाई फाइव पावर ए माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू नाइन बाई ट्वेंटी फाइव। ठीक है, अब देखो थ्री पावर ए माइनस बी है डिवाइड बाई फाइव पावर ए माइनस बी है, तो हम लिख सकते हैं कि थ्री बाई फाइव होल पावर ए माइनस बी कर सकते हैं इज इक्वल टू नाइन बाई ट्वेंटी फाइव। अब देखो थ्री बाई फाइव होल पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू नाइन की जगह हम लिख सकते हैं थ्री पावर टू एंड ट्वेंटी फाइव की जगह लिख सकते हैं फाइव पावर टू। ठीक है, तो ये थ्री बाई फाइव होल पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर टू है यहाँ पर पावर टू है, तो इनको हम लिख सकते हैं थ्री बाई फाइव होल पावर टू। तो फिर से ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि सेम बेसिस हैं तो ये पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, जो कि हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू टू। तो इनको थ्री का नाम दी है तो इनको फोर का नाम देते हैं। अब ये फोर इक्वेशन हमारे पास हो गए हैं। अब इन इक्वेशन को यानी थ्री एंड फोर को ऐड कर लेते हैं तो इनसे फिर हमारे पास ए एंड बी की कीमत आ जाएगी। चलिए ऐड कर लेते हैं। अब देखो इक्वेशन थ्री एंड फोर को ऐड कर लेते हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू टू एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू टू। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा कि ए प्लस ए ये टू ए हो जाएगा और पॉजिटिव बी नेगेटिव बी कैंसिल आउट हो जाएंगे इज इक्वल टू टू प्लस टू ये फोर। तो बहुत सारे डिवाइड बाई टू कर लेते हैं, इस साइड से डिवाइड बाई टू तो फिर इस साइड से डिवाइड बाई टू ये कैंसिल आउट ए इज इक्वल टू टू। तो ये आ गया हमारे पास ए का रिजल्ट। अब यही ए पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन थ्री या फोर, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास बी की कीमत आ जाएगी। तो मैं पुट कर लेता हूँ इक्वेशन थ्री में, तो इक्वेशन थ्री है ए प्लस बी इज इक्वल टू टू, तो ए की जगह टू पुट करना है प्लस बी इज इक्वल टू टू, तो बी इज इक्वल टू टू ये इस साइड पर जाके नेगेटिव टू हो जाएगा तो कैंसल आउट, तो बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो हमने ए एंड बी की कीमत फाइंड आउट करनी थी तो ये आ गई हमारे पास ए की कीमत और ये बी की कीमत। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में ए एंड बी की कीमत पुट करके अगर हमारे पास 9 एंड 25 आता है तो इसका मतलब यह होगा कि ये रिजल्ट ठीक है। चलिए पुट कर लेते हैं। अब देखो ए की जगह 2 बी की जगह 0, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं 3 पावर ए की जगह 2 डॉट 5 पावर बी की जगह 0 इज इक्वल टू 9। तो 3 पावर 2 ये 9 हो जाएगा डॉट 5 पावर 0 यानी एनीथिंग पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है हमेशा, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। तो 9 इज इक्वल टू 9। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इक्वेशन 1 के मुताबिक ये रिजल्ट्स 100% ठीक है। इक्वेशन 2 में आप खुद पुट करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।